हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं लेटेस्ट वर्ल्ड न्यूज इन हिंदी। अंपायर भूले गिनती, बॉलर से एक ओवर में जबरदस्ती करा दी 7 गेंदें। आईपीएल की तर्ज पर बांग्लादेश में होने वाली बांग्लादेश प्रीमियर लीग खेल के अलावा विवादों के कारण भी चर्चा में बनी हुई है। अभी हाल में एक मैच के दौरान शाकिब अल हसन के एक अंपायर से भिड़ने की खबर ने लोगों को ध्यान खींचा था। शाकिब ने एक मैच के दौरान अंपायर से भला बुरा कह दिया था। इसके बाद उनकी फीस काट ली गई थी, लेकिन अब जो हुआ है उसमें किसी खिलाड़ी की नहीं बल्कि मैच में अंपायरिंग कर रहे अंपायरों की ही गलती थी। हालांकि खिलाड़ी ने अंपायर का ध्यान इस ओर दिलाया भी, लेकिन इसका उन पर कोई असर नहीं हुआ। दरअसल बांग्लादेश प्रीमियर लीग में अंपायर ने गेंदबाज के कहने के बाद भी उससे एक गेंद एक्स्ट्रा फिकवा दी। हालांकि मैच के बाद उस टीम ने अंपायर की शिकायत कर दी है। हालांकि उस पर कार्रवाई क्या हुई ये किसी को पता नहीं चला। 28 नवंबर मंगलवार को बीपीएल में रंगपुर राइडर्स और सिलहट सिक्सर्स के बीच मैच खेला गया। सिलहट सिक्सर्स गेंदबाजी कर रही थी और रंगपुर राइडर्स बल्लेबाजी। 16वें ओवर में अंपायर महफूजर रहमान ने सिलहट के तेज गेंदबाज कमरुल इस्लाम रब्बी से एक गेंद एक्स्ट्रा फेंकने को कहा। बॉलर ने अंपायर को ध्यान दिलाया कि उसने 6 बॉल कर दी हैं, लेकिन अंपायर ने उसकी बात अनसुनी कर दी और उससे बॉल डालने को कहा। टीम के दूसरे गेंदबाज ने बताया, हमारे साथी से एक गेंद अतिरिक्त कराई गई। उसने कहा, मुझे नहीं पता कि अंपायर ने तीसरे अंपायर की सहायता क्यों नहीं ली। मैच के बाद सिलहट टीम के मीडिया मैनेजर तमजीदुल इस्लाम ने कहा, हालांकि हमारी टीम अब प्लेऑफ की दौड़ से बाहर है, लेकिन हमने इस मामले की शिकायत दर्ज कर करा दी है। हमारी टीम के कप्तान ने भी मैच के दौरान फील्ड पर इस गलती पर सवाल भी उठाए थे। पहले खेलते हुए सिलहट की टीम ने 20 ओवर में 173 रन बनाए। इसके जवाब में राइडर्स ने 2 गेंदें शेष रहते 174 रन के लक्ष्य को हासिल कर लिया था।